नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं सरला क्लासेस चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो आपको प्लास्टर कैसे लगाना है। आज मैं आपको पक्का जो प्लास्टर है उसको लगाने के लिए सिखाने वाली हूँ। दोस्तों, आज हम घर पर ही प्लास्टर कैसे करते हैं, क्योंकि आज हम कुछ दिनों पहले ही फ्रैक्चर हुआ है इनके यहाँ पैर पर, जो कि है मेटाटार्सल में हुआ है। और मेटाटार्सल में फ्रैक्चर होने की वजह से यहाँ पर स्वेलिंग दिख रहा है, थोड़ा ज़्यादा स्वेलिंग तो नहीं है लेकिन थोड़ा स्वेलिंग है। हमने घर पर और होम रेमेडीज जो है वो की थी लेकिन वो काम में नहीं आई है, तो अब हम इस पर प्लास्टर कास्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम जो है कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है प्लास्टर कास्ट करने के लिए, उसकी जानकारी सबसे पहले देते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको इस कॉटन पैड्स की। कॉटन पैड्स को हम जो है रोल करके पैर पर लगाएंगे ताकि जो स्किन है उस पर वो इंसुलेटेड रहे, स्किन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर क्योंकि जो चूना हम लगाते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हम यूज करते हैं, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, उस स्किन में प्रॉब्लम ना हो इसलिए सबसे पहले जो लेयर है वो हम किसकी लगाते हैं, इस इंसुलेटेड कॉटन पैड्स की लगाते हैं। देन नेक्स्ट आपको जरूरत पड़ेगी बैंडेजेस की, जो कि मैंने 15 सेंटीमीटर का बैंडेजेस लिया है, देख सकते हैं आप चौड़े हैं ये, इतने मतलब लंबे हैं, और इसको हम रोल करके लगाएंगे, इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये लगेगा, देन आपका लगेगा ये जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करेंगे ताकि आपका जो प्लास्टर है वो पूरी तरीके से पक्का हो जाए और उसको ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, क्योंकि फ्रैक्चर हुआ है तो उसको कम करने के लिए, हिलने डुलने को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर रहे हैं। साथ में आपको चाहिए होगा एक कुछ भी आप ले सकते हैं, बकेट ले सकते हैं, एक बाउल ले सकते हैं, लेकिन बड़ा बाउल लेना है आपको जिसमें कि आपको चाहिए पानी, क्योंकि हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें गीला कर चिपकाने के लिए उपयोग में लाएंगे। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। साथ ही आपको ग्लव्स चाहिए होगा, और अगर आप अपने घर को गंदा नहीं करना चाहते तो आप एक पॉलीथीन का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्चर के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाना। मैंने जैसे कि बताया कि मेटाटार्सल में यहाँ पर फ्रैक्चर है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इंसुलेटेड पैड का यूज करते हैं। इस इंसुलेटेड पैड को सबसे पहले हमको कहाँ पर लगाना है, इस एरिया पर लगाना है जो मेटाटार्सल एरिया है, और उंगलियों से थोड़ा दूर ही लगाना है क्योंकि इसमें मूवमेंट होना चाहिए और दिखने भी चाहिए कि जितने भी स्वेलिंग है या कुछ है वो आपको दिख जाए, ताकि आप क्या करेंगे इसको थोड़ा ऊपर से ही लगाएंगे। ध्यान में रखना है कि ज़्यादा इसको टाइट आपको नहीं करना है, अगर क्योंकि आपने अगर टाइट कर दिया ठीक है तो उसे प्रॉब्लम हो जाएगी, इंसुलेटेड नहीं रहेगा, इसलिए आपको इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और इसको आप रोल करते हुए जाएंगे, इस तरीके से रोल करेंगे आप। नॉर्मल जो हम स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं उसी तरीके से हमको इसे रोल करते हुए जाना है। मैं इसे ज़्यादा दूर तक तो वैसे नहीं लेकर जाना चाहती, क्योंकि मेन जो फ्रैक्चर है वो हमारे मेटाटार्सल में है, यहाँ से हम सपोर्ट ज़रूर देते हैं लेकिन मेन फ्रैक्चर यहाँ है। लेकिन अगर कभी किसी का होता है कि फ्रैक्चर इस वाले एरिया में हो, टिबिया फिबुला में हो, तब आप इसको ज़्यादा दूर तक और ज़्यादा दूर तक आप लेकर जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा इंसुलेटेड जो पैड है वो हमने लगा चुका है। अब हम इस जो बैंडेज है उसको रोलर या मेन नॉर्मल जो है सर्कुलर बैंडेज में हम इसको बैंडेजिंग करेंगे। तो हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे, इसको भी ज्यादा टाइट नहीं करना है। यहाँ पर आप दो बार कर दें, फिर नॉर्मल जो स्पाइरल बैंडेजिंग है वैसा करते हुए आपको सभी को कवर करते जाना है, क्योंकि अगर आप इसको कवर नहीं करेंगे तो ये एक जगह पर टिका हुआ नहीं रहेगा। प्लास्टर कास्ट या पीओपी को ओपन करते हैं इसको लगाने के लिए। आप ध्यान रखिएगा कि आप ग्लव्स का यूज़ करें। मैं अभी होम पर हूँ, घर पर हूँ, तो इसलिए मैं ग्लव्स का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसको आप इस टब में डाल दीजिए, थोड़ी देर के लिए आपको डालना है, और जब तक डालना है तब तक कि इसमें कोई भी बबल्स ना रहे। और थोड़ा सा निचोड़ दीजिए इसे, एकदम थोड़ा सा निचोड़ना है। ये देखिए, ये हो गया इस तरीके से।
ओपन करने के बाद डायरेक्टली आप प्लास्टर कास्ट को चिपकाते जाते हैं। सभी जगह पर बराबर मात्रा में आपको प्लास्टर कास्ट को चिपकाते जाना है, थोड़ा सा खींचते हुए और थोड़ा ज़्यादा टाइट नहीं करना है लेकिन टाइट रखना है, क्योंकि अगर सर्कुलेशन रुक गया तो पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब ये हम सेकंड बार इसको लेयरिंग कर रहे हैं। ये जो है ये पक्का प्लास्टर है, क्योंकि हम इसमें जो है पूरा सभी तरफ स्पाइरल करते हुए क्या कर रहे हैं, इसको पूरी रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर कच्चा प्लास्टर सिर्फ अगर हम इस तरफ या फिर इस तरफ सिर्फ करते आधे पार्ट में ही अगर करते तो वो कच्चा प्लास्टर कहलाता। अब इस वाले पार्ट को हम मोड़ देते हैं थोड़ा सा, ध्यान रखिए अच्छा भी थोड़ा दिखना चाहिए, और थोड़ा सा पानी लेकर के इसको अच्छे से बैठा दीजिए इस तरीके से। और कुछ चीजें अगर बाहर दिखाई दे रही है तो उसको अंदर लेते हुए कर लीजिए, इससे अच्छा भी दिखाई देगा, ये पेशेंट को इरिटेशन भी नहीं होने वाली है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर ऊपर वाला है, ऐसे लग रहा है पैर हम तो टेढ़ा हो गया, इसे नहीं कर रहा। चल ठीक है, टेढ़ा निकाल देखो, नहीं तो माल और रखे रखे वाला टूट मत जाएगी, सब देख रहा थी पिलर पिलर नहीं कर रहा था, अभी वाला मतलब फील हो रहा है तो करे तो हम देखकर से चीख चीख करके बार बार करे रही थी, ये फिर तो मैं टूटे रही से ऐसे कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, मेरा निकाल वीडियो बंद कर देखोगे। दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप लास्ट में जो है एक और स्पाइरल बैंडेज लगा ले ताकि वो और अच्छे से चिपक जाए। मैंने इसमें अभी लगाते हुए नहीं दिखाया है लेकिन आप इसमें एक और स्पाइरल बैंडेज लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।